आज आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सेकंड डे है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी होने वाला है। हेलो, आप कहाँ से आए? रामपुर से आए भैया जी। आप सभी लोग रामपुर से ही आए, तो मतलब कैसी प्रिपरेशन है आपकी? प्रिपरेशन ठीक है भैया। अब तो आपको थोड़ा बहुत पता भी चल गया होगा कि इस तरीके का पेपर आ रहा है ना? हाँ, तो एनएससी देखा था, उसमें ठीक था। बिल्कुल, उसके साथ तैयारी ठीक है हमारी। तो मतलब करंट अफेयर्स बता रहे हैं जून से अगस्त तक की आ रही है करंट अफेयर्स, है ना? और मैथ्स भी बहुत सिंपल, मैथ्स भी सिंपल आ रहा है। डीआई में क्या हो रहा है कि मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, डीआई में तीन डीआई बहुत ही सिंपल आ रही है, है ना? एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वो अगर आप ध्यान से करेंगे तो एक में प्रॉब्लम होगी, बाकी तीन तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर किसी की मैथ ज्यादा अच्छी है वो चौथी भी कर लेगा। यस सर। तो बाकी आप अच्छा ही पेपर आ रहा है, ठीक ही होगा। मैम, आप लोगों की तैयारी कैसी है एग्जाम को लेकर? ठीक है। तो मतलब पहली बार पेपर देने हैं, पहले दिया है आप लोगों ने? फर्स्ट टाइम पेपर देने हैं, तो ऑल द बेस्ट है आप सभी लोगों को। और कुछ आने में मतलब आप लोगों ने अपना व्हीकल करके आए हैं? जी जी, अपना ही। चलिए, सबसे अच्छी बात है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है प्रेप का टीम की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग और भी यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाला है, तो जैसे हमने कल दो एनालिसिस कराए थे पहली शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का, इसी तरीके से हम लोग और एनालिसिस कराएंगे इस शिफ्ट का पेपर होने के बाद में। तो आप सभी लोग जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो सभी लोग उस एनालिसिस में ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं हम लोग एनालिसिस में। आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, जिन्होंने कल एग्ज़ाम दिए थे और जिनका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो क्या क्या चीज़ें चाहते हैं हमसे, हम लोग ज़रूर ऐसी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।